पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 बीएचके 2 बीएचके और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 एकड़ 7 स्टोरी 6 टावर में बना है विच बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। मैं हूं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आप देख रहे होंगे कि ये कचरे का जो अंबार है ये बीच रास्ते पर यहाँ के लोगों ने रख दिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज कोई कचरा उठाने के लिए आया रही अलमास कॉलोनी में बीच रोड पर ये कचरा रखा गया है। यहाँ पर देखेंगे रास्ता है, रास्ते पर दरअसल ये कचरा पहले जो है यहाँ रखा जाता था। ये आप देखेंगे कि मेहरून कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर बाजू में ही एक लैब है जो ब्लड टेस्ट वगैरह सब होती है। यहाँ पर ये लैब है और बाजू में ही अलमास हॉस्पिटल है यहाँ पर, और इन सब सोसाइटी का जो कचरा है वो यहीं पर जमा होता है। एक तरफ जो है लैब है जहाँ मरीज आते हैं खून चेक कराने के लिए, दूसरी तरफ हॉस्पिटल है जहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। देखेंगे यहाँ कचरा जो है ये मेहरून कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कचरा ऐसे गोनी में भर कर रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये पूरा जो है कचरा रख देते हैं। जो लैब के काम करने वाले लोग हैं वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड वगैरह टेस्ट कराने आते हैं उन लोगों को भी तकलीफ़ होती है। ऐसे में आज जो कचरा यहाँ पर जमा हुआ था तो कचरा उठाने वाले आए नहीं और इन लोगों ने पूरा कचरा उठाकर जो है रोड पर रख दिया है। आप देखेंगे बीच रोड पर ये कचरा रखा हुआ है और ये लैब है यहाँ पर रिलायंस मेड लैब। क्या बताएंगे भाई, कचरा जो यहाँ पर रखा जाता है क्या पूरा मामला है? मामला ये रोज़ का जो कचरे वाले हैं दुकान के सामने आप देख सकते हैं रिलायंस मेड लैब पैथोलॉजी लैब है यहाँ भाई पेशेंट, ओ भाई यहाँ पे पेशेंट डेली का आते हैं ब्लड टेस्ट करने या कुछ करने, ऑलरेडी वो बीमार रहते और यहाँ पे पूरा लोग कचरा फेंक के चले जाते हैं। अब ये जितना कचरा देख रहे हैं रोज़ का कचरा है जो मेरे दुकान के सामने होता है, और रोज़ ये मैडम जो है मना करते हैं ये सुबह में कचरा रखने से। ये मैडम से आड़ी तेरी बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उल्टी सीधी बात करके चले जाते हैं, और यहाँ के कुछ जो जिम्मेदार बोलो या सोशल वर्कर बोलो या जो भी बोलो कोई ध्यान देता नहीं है। और वो लेकिन यहाँ पर एक हॉस्पिटल है अलमास और बच्चे लोग का यहाँ पर इलाज होता है, और एक यहाँ पर जो आपकी लैब है और यहीं पर कचरा पूरा डाला जा रहा है। कौन डालता कौन है यहाँ पर कचरा? जितनी भी बिल्डिंग दिख रही है ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है पीछे आपको, आप जो भी जितनी भी बिल्डिंग दिख रही है सारा कचरा ये सब बिल्डिंगों का है। और जब मना करने पे भाई उसने बोला, ये भाई ने बोला, वो भाई ने बोला, हमका डमका करके भाई पटेल ही करके सब रख के चले जाते हैं यहाँ पर। ये रोज़ का मामला थे, आज ये कचरा इधर था, ये मैं इसका खुद जिम्मेदार हूँ जो मैंने इधर कचरा रखा, रोड पे रखा ताकि लोग को कचरा दिखे, मेरी तकलीफ लोगों को समझने आए। जब 100 लोग जब जाएंगे आएंगे यहाँ से ट्रैफिक जाम होगा, लोगों को तकलीफ होगी, तब यहाँ पे कुछ एक्शन हुआ जाएगा, वरना यहाँ पे कोई एक्शन होने वाला नहीं है। मैं 6 महीने से सारे सोशल वर्कर को बोलो या फिर जो भी जिम्मेदार है यहाँ के, मैं सबको, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन मैं बोल के थक गया, लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ लाके रखते कहाँ से कचरा यहाँ पे? यहाँ पे मेरी सीढ़ी से लेकर पूरा वो जो काली बाइक है वो सफेद बाइक, काली बाइक तो सफेद बाइक वहाँ गेट के पास भी रखा हुआ है। देखना चाहेंगे तो देखो गेट के पास भी कचरा रखा हुआ। और ये जो मैडम है ये रोज सुबह दुकान ओपन करते हैं, मेरा लैब ओपन करते हैं, और ये जब मना करते हैं तो इनसे झगड़ा करते हैं सुबह सुबह। ये रोज का मामला थे, ये ऐसा मामला थे भाई कचरा। तो अभी आज कचरा इतना ज्यादा था और उठाने के लिए भी नहीं, कोई नहीं था भाई, सब इधर रख के चले गए, मना करने पे कोई नहीं सुना, आधे बोल के सब इधर पूरा कचरा रख के चले गए। अभी सुबह 8 बजे से कचरा पड़ा हुआ है, अभी 2-3 कितना बज रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये कचरा अभी तक यहीं पे पड़ा हुआ है। जो अपने आप को यहाँ के जनप्रतिनिधि बताते हैं, कोई ध्यान नहीं, आपने बताए सबसे बात ये भाई ऑलरेडी एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार, तो ये तो बताओ कम से कम यहाँ हॉस्पिटल है, ये सबको पता है, ये सबको पता है, ये कोई जाहिल गवार ही रहेगा जिसको पता नहीं है कि यहाँ हॉस्पिटल है। और ये बोर्ड किसको पढ़ने नहीं आता है कि इधर मेडिकल है, सामने मेडिकल है, इधर मेडिकल है, वो उधर पैथोलॉजी लैब है, बाजू में समोसे वाला है, किसी के खाने में कचरा उड़ जाए, किसी को फूड पॉइजन हो जाए, तो कौन जिम्मेदार है इसका?
ऐसा मामला था भाई, ये सबको पता, ये जितने भी यहाँ पे रहने वासी है आज या कल के तो लोग खुद लाके रखते हैं कचरा, या जो उठाने वाला है वो लाके रखता है, जो उठाने वाला कचरा बिल्डिंग से कचरा जमा करते हैं और यहाँ पे लाके रख के चले जाते हैं। तो आप मना करो ना उन लोगों को, ये डेली हम लोग मना करते हैं, और डेली मना करने पे झगड़ा होता है ये मैडम के साथ, क्योंकि मैं सुबह में रहता नहीं, आज मैं फ्री हूँ इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा, मैडम ने मुझे फोन करके बुलाया। मना करते हैं आप यहाँ पर? मैं रोज डेली मना करती हूँ सर, रोज। मेरे को, मैं अकेली कितना बोलूँ, मैं यहाँ पे बोलती हूँ इन लोग को बोलो, आप बोलो, आप बोलो, कोई बोलने के लिए रेडी कोई बोलने को राजी नहीं, कोई बोलने रेडी नहीं, सिर्फ हम दोनों ही झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी कोई रेडी नहीं है। यहाँ पे जो सेक्रेटरी है उनको फोन लगा तो फोन उठाने तैयार नहीं है, तो कितना बोलेगा इंसान एक अकेला। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कपिल, कपिल। ये सोसाइटी में कचरा जो उठाते हैं आप लोगों की तरफ से उठाने आते हैं कोई दूसरा? नहीं, अपनी गाड़ी आती है। हाँ, अपनी गाड़ी आती है सुबह, डंपिंग के वजह से, डंपिंग जो डायरेक्ट डंपिंग थे बंद थी। हाँ। तो अभी चालू किए ले तो इसके वजह से थोड़ा लेट हुआ है। मैं तो डेली सुबह वो डब्बे वाले को बुलाओ, डेली सुबह आपका मतलब कितने दिन से कचरा खाली हो रहा है और यार उठाया नहीं जा रहा, ऐसा पूछो। जैसा इन लोग का कहना है कि बाजू में ही जो है लैब है और यहाँ पर बच्चों का हॉस्पिटल है। अभी देखो मैं सुबह 4 बजे से काम पे आता था, लेकिन मैं रुका हूँ किस लिए कि मेरे पूरे एरिया का कचरा अभी तक उठाया नहीं है क्योंकि डंपिंग बंद है। आप टीएमसी के अधिकारी से भी पूछो। नहीं ठीक है, डंपिंग बंद सही है, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि यहाँ यहाँ पर जो है, लेकिन अभी मैं उनको बोल के भी गया था दोपहर में कि गाड़ी लेके आ रहा हूँ मैं। नहीं, हमारा ये कहना है कि अगर सोसाइटी से जो कचरा उठाया जाता है वो हाथ के हाथ वहाँ से उठाए, यहाँ घंटा गाड़ी रहे उसमें रख जाता है, उनसे भी पूछे जो डब्बे वाले हैं ना, उनसे। उन लोग का कहना है कि यहाँ पर रख दिया जाता है और झगड़ा होता है। इधर आइए ना, इधर आइए, इधर आइए। नहीं भाई, नहीं ना, फोन क्या फोन सामान ही नहीं, लेकिन डब्बे वाले रहते ना। हाँ तो गाड़ी आएगी तो जाएगा ना। अच्छा देखो अभी उनका कैसा, जैसा गाड़ी डंपिंग से खाली होगा वैसे ही हमारा गाड़ी फ्री होगा, क्योंकि नाइट में भी काम चलता है। आप देखो कचरा रास्ते पे बिल्कुल नहीं है, वो खाली डब्बे वालों से पूछो आप किसने किसने पूछा है और किसने बोला ये डालने के लिए। हमको सिर्फ इतना है, हम चलो गलती है हमारी है, हमने नहीं उठाया सुबह, बराबर मान लिया। आप एक बार सुनिए, एक बार आप मान लिया भाई, मैं क्या बोल इसला पुत्र भाई, मान लिया, लेकिन एक तो भी कॉल आया क्या मेरे को? आप लोगों ने कॉल किए? मैं बोला उनको बोल के गया, अगर मिल अगर डब्बे वालों को बुलाओ, वो अनिल की माँ है, उनके उनके बच्चे लोग हमारे पास काम करते हैं, उनके बच्चे। इन लोग का ऐसा कहना, एक मिनट, इन लोग का ऐसा कहना है कि जो कचरा लाते हैं वो यहाँ पर ना रखे, आपकी गाड़ी यहाँ रहे उसमें रख दिया। अगर डंपिंग का मसला, हमको डंपिंग अगर 7 बजे खुली मिलती है ना तो हम रास्ते पे डब्बे वालों को आवाज दे के बुलाएंगे और लेके जाएंगे। रास्ते पे आप देखो कचरा है क्या मुंब्रा में, थोड़ा हमको कोऑपरेट करो बस। आज हमारा डंपिंग का साथ नहीं है, इसके वजह से ये दिन हमको देखना पड़ रहा है। एक रीजन बता दो, ये मेडिकल है सर। यार एग्री करता हूँ, चलो एग्री करता हूँ सर, मेडिकल है, हॉस्पिटल है सर। आप वो भी डब्बे वाले हैं ना, उनसे पूछो, कभी उनको गाड़ी नहीं मिली तो आप पूछो उनको। मैं खुद आके उठाता हूँ, अभी देखो दोपहर वालों को मैं लेके आया हूँ, हालांकि वो मेरे हद्दी में नहीं है, फिर भी मैं उनको लेके आऊँ क्योंकि तकलीफ ना हो किसी को। ठीक, अभी उठा रहे हैं ना उनको भी पता, 7 बजे अगर हाँ हाँ मैं किधर अभी देखता हूँ मैं, जायज है, मेरी गलती है, जायज है, लेकिन मेरे को लेटर चाहिए अगर ऑफिस के बाहर अगर कोई कचरा रख रहा है तो मुझे लेटर चाहिए, यहाँ पे कचरा रखने का लेटर किसने दिया, मुझे लेटर चाहिए। कौन सा नगर सेवक है, कौन सा सोशल वर्कर है, कौन सा कार्यकर्ता है, किसका भी, या कौन सा म्यूनसिपालिटी ऑफिसर है, यहाँ पे अगर कचरा कोई रख रहा है तो मुझे लेटर चाहिए, मुझे लेटर चाहिए, यहाँ पे कचरा रखने का मुझे लेटर चाहिए। वो असल बात गलती उन लोगों के जो लाके यहाँ पर रख देते हैं, ऐसा किसी ने बोला नहीं होगा, किसी ने बताया नहीं होगा, लोग कैसा है कचरा यहाँ से उठाते तो लोग लाके रखते हैं, ये अलग बात है कि आपकी लैब है यहाँ पर और सब है, आप मना करते हो लोग मानते नहीं, लेकिन उनको कचरा यहाँ नहीं रखना चाहिए। जी बिल्कुल आप सही है, लेकिन गलती इन लोगों की भी है, गलती बिल्डिंग वालों की भी है, गलती यहाँ के जो सोशल वर्कर है, जो भाई पटेल बनके घूमते हैं, जो भी एक्सवाइजेड रीजन है, अभी आप यही कोशिश करो कि मतलब यहाँ पर इनके यहाँ पर कचरा जो है ना रखे लोग, आपकी घंटा गाड़ी का एक समय दे दो आप यहाँ पर, ये क्योंकि बाजू में हॉस्पिटल भी है तो एक समय दे दो आपकी जो है, उस समय पे आपकी घंटा गाड़ी आएगी, वहाँ उसमें कचरा डाल। थोड़ा कोऑपरेट चाहते हैं सर, आप 5
गाड़ी आना नहीं कोऑपरेट नहीं। एक मिनट रुकिए, मेरा एक सवाल है आपसे, जब गाड़ी आना नहीं दी थी आपने किसी सोशल वर्कर को, नगर सेवक को, नहीं नहीं, तो ये कचरा फिर हम लोग जमा कर, नहीं नहीं, अधिकारी लोग सुबह से उधर ही है, टाइगर डंपिंग में ही है। तो सर मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था गाड़ी लेट होगी। मैं आके उनको मिलके गया, इधर वो माँ बैठी थी, मेरा हेमंत की माँ है, वो मेरे वर्कर है, वो बी पेटी पे काम करते हैं, उनको पहचानता हूँ, लेकिन वो ऐसे कभी करते नहीं। मेरे को वही पूछना है कि ये क्यों किया आपने? मेरा सवाल यही है सर, मेरा कहने का मतलब था ये उन्होंने क्यों किया, कभी गाड़ी नहीं दिया भाई, अभी उठा लो कचरा, नहीं है जो करता हूँ मैं, मेरा काम ही है वो। मैं क्या कर रहा सर, ये रोड पर कचरा था, क्रिस्टल के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, अब ये कचरा जो है उठाने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर लोग खड़े हैं कचरा उठाने के लिए। और लोगों को भी समझना चाहिए कि यहाँ पर ये लैब है, लैब के बाजू में ही लाकर कचरा रखते हैं, उधर सोसाइटी है बिल्डिंग की, यहीं के रहने वाले लोग जो है यहाँ पर लाके रखते हैं, जिससे काफ़ी गंदगी होती है। बेहतर ये है कि घंटा गाड़ी जब आती है तो उसी वक्त जो है डब्बे में कचरा डालकर लाकर घंटे गाड़ी में कचरा डाला जाए।